नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2019 के लिए वृषभ राशि का संपूर्ण राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर, कौन से होंगे शुभ दिन, कौन से होंगे अशुभ दिन, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, उन सभी 12 राशियों के सितंबर 2019 के राशिफल अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वृषभ राशि का जो राशिफल सितंबर 2019 का होगा वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में कि ग्रहों के राशांतर किस प्रकार से होने वाले हैं। तो सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य जो कि आपके चतुर्थ स्थान में है, वो 18 तारीख के बाद आपके पंचम स्थान में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाएगा। आपने पिछले करीबन 15-1 दिनों में भी देखा होगा कि घर के जो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस थे वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी प्रकार घर की जो भी छोटी मोटी बातें थी वो आपने पूरी करते हैं। घर के जो सदस्य है उनकी जो भी ख्वाहिशें थे, उनके जो भी मांगे थे, आपने पूरे कर लिए। इसकी वजह से घर के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहे। उसी प्रकार इस महीने में मतलब जैसे ही सूर्य आपके पंचम स्थान में भ्रमण करेगा, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो जो भी आपका करियर है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो वहाँ पर कुछ अच्छे जो बातें हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। उसके संदर्भ में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण कालावधि है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल करीबन 26 तारीख के बाद आपके पंचम स्थान में भ्रमण करेगा और 26 तारीख तक वो आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा। तो जैसे कि रवि और मंगल दोनों ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में होने के कारण घर के लोगों के साथ छोटी मोटी बातों से लेकर तकरार हो सकती है। और मंगल जैसे कि यह जो महीना है, मतलब सितंबर महीने के जो बड़ा कालावधि है, 26 तारीख तक वो आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। तो इसी वजह से घर के जो लोग थे रहेंगे उनके तरफ से छोटी मोटी बातों के लेकर कुछ मतभेद वगैरह हो सकते हैं। तो वही बात है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात वगैरह नहीं हो सकती। इसके बाद का जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। बुध ग्रह करीबन 11 तारीख को आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद वह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो इस महीने के जो बड़ा जो कालावधि है उसमें वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, अपने स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और लकी साबित होगा। मतलब जो भी काम आपने किया, मतलब करीबन पिछले 1-2 महीने में आपने देखा होगा कि आपसे मेहनत बहुत हो रही है, आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे रिजल्ट आने के लिए थोड़ा बहुत आपका जो नसीब है, अब नसीब का साथ भाग्य का साथ भी मिलना आवश्यक होता है। तो यह जो बात है इस महीने में आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो इनकम सोर्सेस है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और इनकम के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी संपूर्ण महीना आपके लिए होने वाला है। इसके बाद का जो ग्रह है वो है गुरु। गुरु आपके सप्तम स्थान में भ्रमण कर रहा है और यह जो गुरु है वो मार्गी भी हो रहा है। जैसे कि अगस्त के 11 तारीख को ही यह जो गुरु ग्रह वो मार्गस्थ हो चुका था, तो आपके लिए ये बात बहुत अच्छी साबित होने वाली है। यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये आपके लगन भाव को देख रहा है, मतलब आप ही की राशि को देख रहा है, और भाग्य मतलब नवम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देख रहा है, जो कि आपके लिए इनकम के सोर्स के बारे में काफ़ी अच्छी बात है। बुध ग्रह के बारे में भी मैंने कहा कि वो भी आपको शुभ जो परिणाम है वो काफ़ी अच्छे देने वाला है। तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में है और 16 तारीख के बाद यह शुक्र ग्रह है, 10 तारीख के बाद यह जो शुक्र ग्रह है आपके पंचम स्थान में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो आपका लग्नेश भी है, वो पंचम स्थान में जाएगा। तो खास करके जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं या फिर ऐसे किसी बिजनेस में जहाँ पर आपकी जो रिस्क है वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी होती है, भाग्य का साथ मिलना ज़रूरी होता है, तो आप बेझिझक इस महीने में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके जो आउटकम है वो आपको काफ़ी अच्छे मालूम होते हुए रहेंगे। उसी प्रकार जो वृषभ राशि के व्यक्ति लाइमलाइट इंडस्ट्री से डील करते हैं, मतलब फैशन इंडस्ट्री से डील करते हैं, स्टेज से डील करते हैं, मतलब नाटक कंपनी में या फिर बॉलीवुड फिल्मों से डील करते हैं, उनके लिए भी ये जो महीना है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होने वाला है।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह करीबन पिछले 4 से 5 महीने से वक्री चल रहा था आपके अष्टम भाव में। यह जो शनि ग्रह अभी मार्गस्थ हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और शुभ फलदायी होगा। दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो शनि ग्रह है वो मार्गस्थ हो जाएगा। उसके जो परिणाम है, मार्गस्थ होने के बाद के जो परिणाम है, वो करीबन आपको 23-24 तारीख के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि यह जो प्लैनेट है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे आगे चलने वाला प्लैनेट है। तो 18 तारीख के बाद मार्गस्थ होने के बावजूद इसके जो परिणाम है वो आपको 23-24 तारीख के बाद मिलेंगे, और वो जो परिणाम है काफ़ी अच्छे मिलेंगे। पहले तो आपके सेहत के बारे में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो नॉर्मल हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको काम के बारे में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो शनि ग्रह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होने वाला है। तो दोस्तों, ये था ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में चर्चा, वह आपके ऊपर, आपके राशि के ऊपर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं और उसके आपके मनोवृत्ति पर या फिर आपकी मानसिकता किस प्रकार से होगी, इसके बारे में चर्चा। इसके बाद ग्रह योग भी होते हैं, मतलब ग्रहों के बारे में हमने देखा कि संपूर्ण महीना ये जो ग्रह है वो किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, लेकिन ग्रह योग भी होते हैं। और ये जो ग्रह योग होते हैं वो 3 से 4 दिनों तक आपके राशि पर परिणाम करते हैं, आपके साइकोलॉजी पर परिणाम करते हैं, लेकिन वो करते हैं ज़रूर। तो वह ग्रह योग किस प्रकार के होंगे, उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे, आपको क्या सावधानी बरतनी है, आपको कैसे निर्णय, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, इस महीने में 2 तारीख को गणेश जी का आगमन हो रहा है, गणेश चतुर्थी का, तो आप सभी को उसके बारे में शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से भी। तो अब हम चर्चा करेंगे जो ग्रह योग है उनका परिणाम आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाला था। सबसे पहले बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके वैया भाव में, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है उसका नवपंचम योग आने के त्रिकोण योग होने जा रहे, तो ये जो बात है आपके लिए बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी होगी। इसका जो परिणाम है वो दिनांक 31 अगस्त से लेकर करीबन 3 सितंबर तक होगा। तो इस दरमियान आपको, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ हो सकता है, कुछ अच्छे विचार आपको आ सकते हैं पैसे के मामले में, मतलब पैसे किस प्रकार से अर्निंग किया जाए उसके बारे में कुछ अच्छे विचार आपको आ सकते हैं, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे कोई विचार, अगर कोई ऐसी कोई बातें आ जाती है, गट फीलिंग से भी हो सकती है, सिक्स सेंस से भी हो सकती है, मतलब आपको ही उसके बारे में कुछ नए आइडियाज सूझेंगे। आपके सामने अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसके बारे में कुछ आइडियाज आपको मतलब सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही सही भी साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का शुक्र है, वो त्रिकोण योग कर रहा है, और यह त्रिकोण योग 2 तारीख को हो रहा है। हालांकि इसके जो परिणाम होंगे वो 1 तारीख से लेकर करीबन 4 तारीख तक का इनका परिणाम आप देख सकोगे। यह भी बात आपके लिए बहुत ही, यह जो योग है आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। इस दरमियान आप घर के वालों के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छी काम करोगे, मतलब उनके जो भी मांगे हैं वो पूरी करोगे, आपके घर में कुछ नए वस्तु वगैरह भी आ सकते हैं। तो यह जो दिन है, यह जो योग है, बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसी प्रकार बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। इसका जो परिणाम होगा 2 तारीख से लेकर करीबन 5 तारीख तक का होगा। इस दरमियान आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मैंने जैसे कहा इसके पहले का जो योग था कि आप कुछ वस्तु ले सकते हो या फिर खरीदारी हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना कि यह जो खरीदारी आप कर रहे हो उसके प्रति ज़्यादा खर्च तो नहीं पैसे हो रहे, तो खर्चे जो स्पेंडिंग आपके लिए होगी उसके बारे में ध्यान देना। हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, तो स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं करती, लेकिन यही बात है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। रवि और बुध की युति सिंह राशि में होने जा रही है, और यह जो युति है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी और शुभ फलदायी भी होगी, क्योंकि घर के जो भी मामला थे वो किस प्रकार से नॉर्मल हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। उसी प्रकार पैसे के मामले में भी आप उसके संदर्भ में सोच सकते हो। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग वो भी होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वह 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का होगा। इस कालावधि में बहुत महत्वपूर्ण है, आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह हो सकती है, ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसका जो कालावधि है 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का है। इस कालावधि में अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो निर्णय आप इस कालावधि में नहीं लेना, क्योंकि आप उसमें चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा लगती है, और थोड़ा सा आपको मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर भी आ सकता है इस कालावधि के दरमियान। इसके बाद हम बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है 4 तारीख से लेकर करीबन 7 तारीख तक का होगा। बुध जो कि आपके सप्तम, आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो पैसे के मामले में, जैसे मैंने कहा कि इस महीने में आपको पैसे की इनकम काफ़ी होने वाली है, या फिर पैसे के मामले में यह जो मतलब बातें हैं वो काफ़ी आगे अच्छी तरह से आगे बढ़ने वाली है,
तो यह जो पैसेज है, जो इनकम है, किस प्रकार से अर्न करने चाहिए या फिर इसको किस प्रकार से खर्चा करना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ अच्छे आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप सोच विचार कर सकते हो। और पहले भी जब मैंने जैसे कहा कि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल राशि है, तो किस तरह से पैसे अर्निंग किया जाए, किस तरह से उसे संभाला जाए, सेविंग की जाए, उसके बारे में भी कुछ अच्छे अनुमान आप ले सकते हो, उस कुछ अच्छे विचार आपके आ सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रवि और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। आपके शनि जो कि आपके अष्टम भाव में, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो रवि है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है, तो आपके लिए बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो घर के जो मामले, छोटे मोटे बातों के लेकर जो आपके मन में स्ट्रेस था स्पेंडिंग को लेकर, उसके संदर्भ में कुछ अच्छे विचार हो सकते हैं। और घर के लिए लोग भी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, जैसा आप चाहते उसी प्रकार उनसे भी मतलब आपको मदद मिल सकती है। तो यह जो कालावधि है रवि और शनि का त्रिकोण योग का, यह होगा करीबन 5 तारीख से लेकर 8 तारीख। इसके बाद बुध और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका कालावधि है 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। यह जो कालावधि है, इस कालावधि में आप शेयर मार्केट से अगर डील करते हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना। पैसे की किसी भी प्रकार की, चाहे छोटी हो या बड़ी, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो अच्छा होगा। इसके बाद भी ऐसे ग्रह योग आएंगे जो कि पॉजिटिव रहेंगे, उस ग्रह योग में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का जो समय है उसमें आप किसी भी प्रकार के बड़े या छोटे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। उसी प्रकार मंगल और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ शनि जो आपके अष्टम भाव में है, उसका त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो यह जो योग है उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इस योग में, मतलब यह जो कालावधि होगा 7 तारीख से लेकर करीबन 9 तारीख तक का होगा, इस कालावधि में पैसे के बारे में थोड़ी सोच होगी और घर के जो मामला है वो करीबन नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे आप में और घर में। मतलब जो भी उसमें जो हार्मनी है आपके घर के जो लोग होंगे वो काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। और इस कालावधि में इजी मनी जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में आपके मन में सोच आ सकती है। आपके जो वैवाहिक सदस्य है उनसे भी आपके जो मेल जोल होगा वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, उनमें जो हार्मनी है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। इसके बाद रवि और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि है 9 तारीख से लेकर करीबन 12-13 तारीख तक का होगा। रवि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी प्रकार आपके घर के जो प्रमुख व्यक्ति होंगे उनके सेहत के बारे में भी छोटी मोटी बातों को लेकर समस्याएँ खड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक है। उसी प्रकार 12 तारीख को मंगल और शनि का केंद्र मंगल और गुरु का केंद्र योग होने वाला है। हालांकि ये जो केंद्र योग है वो ज़्यादा मायनों में देखा जाए इतना कुछ उसके मतलब इतना कुछ इंटेंस नहीं है, लेकिन ये जो केंद्र योग दृष्टि अधिष्ठित है तो थोड़ा सा आपके सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। यह जो कालावधि है आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। 12 तारीख से लेकर करीबन 15-16 तारीख तक इस जो ग्रह को इसका असर आपको देखने को मिलेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब कोई भी मतलब अगर आप किसी भी लाभ के बारे में सोच रहे हो वो लाभ आपके सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर इस कालावधि के दरमियान किसी व्यक्ति ने आपको कुछ अच्छे जो किसी भी प्रकार का प्लान या फिर कोई नई योजना उसके बारे में आपको बताया तो उसके ऊपर ज़रूर अमल करना, कुछ नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं, इजी मनी इस दरमियान आपको मिल सकता है। खास करके जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए जो कालावधि है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा, बहुत ही अच्छा शुभ कालावधि आप लिख लीजिए, क्योंकि इस पूरे महीने में ये जो कालावधि आपके लिए गोल्डन पीरियड ला सकता है। और ये जो कालावधि है 12 तारीख से लेकर करीबन 16-17 तारीख तक का होगा। इसके बाद मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में है उसके साथ नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका कालावधि होगा 13 तारीख से लेकर करीबन 16-17 तारीख तक। तो इस कालावधि में आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे अनबन हो सकती है, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर थोड़ा सा आपके भावना के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध और गुरु का नया केंद्र योग भी होने जा रहा है। इस कालावधि में भी थोड़ा सा आप सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का ये कालावधि होगा। उसी प्रकार बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में है उसी के साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो यह जो कालावधि थोड़ा स्ट्रेस या प्रेशर आपको आ सकता है। इस कालावधि में थोड़ा स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि स्पेंडिंग ज़्यादा होने के कारण वह जो स्ट्रेस है वो आपके ऊपर आ सकता है। इसका कालावधि है 21 तारीख से लेकर करीबन 24 तारीख तक। शुक्र और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। इस कालावधि में भी सेहत के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसका कालावधि है 24 तारीख से लेकर करीबन 27 तारीख तक।
शुक्र और गुरु का लाभ योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में, उसके साथ गुरु का लाभ योग होने जा रहा है। इस काल अवधि में आपको जिसे अनएक्सपेक्टेड पैसे, जिसे हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, आपको लाभ मिल सकते हैं। इसका काल अवधि है 27 तारीख से लेकर करीबन 30 तारीख तक। तो दोस्तों, ये था ग्रह योगों का और उसके संदर्भ में आपको मिलने वाले जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे पूर्णिमा और अमावस के बारे में। हर महीने में पूर्णिमा और अमावस का जो दिन होता है वो आता है, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी हमसे कहते हैं कि पूर्णिमा या अमावस के दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद नहीं करना, विवादों में नहीं जाना। आपकी अपनी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी तीव्रतम होती है, क्योंकि चंद्र और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो बहुत ज़्यादा होता है इन दो दिनों में, पूर्णिमा और अमावस के दिन। तो किसी भी प्रकार के विवादों में नहीं जाना, कमिटमेंट नहीं करना, वादे नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना, इससे फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लड़ाई झगड़े भी बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस महीने में मतलब सितंबर 2019 का जो पूर्णिमा है वो 13 तारीख को रात 12:37 से शुरू होकर 14 तारीख के प्रातः 2:38 तक का समय पूर्णिमा का होगा। उसी प्रकार अमावस जो होगी 28 तारीख के सुबह 3:46 से लेकर रात 11:56 का जो समय है वो अमावस का होगा। तो पूर्णिमा और अमावस दोनों ये जो समय है अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। इस समय में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, या फिर लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार हर जो महीना होता है उस हर महीने में ऐसे भी कई दिन आते हैं जिसमें हमारा मूड नहीं लगता। मतलब बात तो नॉर्मल रहती है लेकिन अंदर से जिसे हम कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं वो नॉर्मल नहीं होता। छोटी छोटी बातें होती हैं वो हमसे नहीं होती, जिसके कारण हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है। तो यह जो कालावधि होते हैं या फिर यह जो दिन होते हैं इसे हम अशुभ दिन कहते हैं। तो इस महीने में मतलब सितंबर 2019 में वृषभ राशि के लिए यह जो अशुभ दिन हम कहते हैं वो है 6, 7, 9, 10, 21 और 22। 6, 7, 9, 10, 21 और 22 यह जो दिन है यह दिन आपके लिए अशुभ दिन साबित हो सकते हैं। तो इन दिनों में भी किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन आप नहीं लो तो बात अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का सितंबर 2019 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।